आज चलते चलते प्रोग्राम में आज रिंगा खाटू साहब से चलते चलते दिल्ली पहुंचने वाली चलेगी बस। कल आए थे यहाँ सोनिया विहार मित्र मंडल की तरफ से ये खाटू श्याम यात्रा खाटू धाम सर कुत्ता जी से जो दिल्ली के निवासी हैं सोनिया विहार से अभी कुछ ही समय से इन्होंने बाबा श्याम के आना शुरू किया। बोलिए चार साल पहले मैं खाटू साहब पर आया था ऐसे ही बच्चों को लेकर यहाँ पे, तो हम जाया करते थे कभी बालाजी कभी साला सर ऐसे ही हम कभी घूमते रहते थे, लेकिन बाबा ने ऐसे ही हाथ पकड़ी हमारा कि हम और जगह के कहीं चेष्टा ही भूल गए एकदम से। और चार साल में जो बदलाव हमारे ज़िंदगी में आई है मैंने पीछे मुड़ के नहीं देखा, मैंने कि कभी हारा भी मैं आगे बढ़ते ही चला जा रहा हूँ। और बाबा का सहयोग इतना ज़बरदस्त मिल रहा है मेरे बच्चों परिवार के ऊपर कि मैं बता नहीं सकता, अनुभव बांट नहीं सकता आप लोगों के बीच में कि मुझे चार साल में मैं पीछे मुड़ के नहीं देखा हूँ। कामयाबी का रास्ता मुझे दिन प्रतिदिन आगे बढ़ा रहा है, ये सब बाबा की कृपा है। कितने साल और मैं हर महीने एकादश पे आता हूँ। बबलू भाई ने कहा संतोष जी ने कि नहीं इस बार बस अपनी चलेगी, मुझे इतनी बड़ी खुशी हुई कि मैंने कहा देखो जो बस हम करावल नगर से लेके जाते थे दूसरे के साथ जाते थे आज अपनी बस लेके हमें सबसे बड़ी खुशी हुई है कि लोगों के जो आधे से ज़्यादा सवारी ऐसी है इसमें जो पहली बार आए हैं और हर बार हम सोचेंगे कि इसमें नई सवारी इसमें लोगों को मौका दें दर्शन करने का और वो दूसरे को जुड़े साथ में और आगे सबको मौका मिलेगा। जिसका हाथ बाबा ने पकड़ लिया एक बार निश्चित तौर पर 101% लोग कहते हैं, मैं 202% कहता हूँ उसको कामयाबी पक्का है मिलना। वहाँ खाटू श्याम के दरबार में 102% सुनवाई होगी बिल्कुल और आप अपने जिंदगी के बदलाव देखेंगे। बोल हारे के सहारे की जय, बोल दीनबंधारी की जय। जब हम किसी के मंडल में जाते थे हाथ जोड़े खड़े हो जाते थे ऐसे करके जी। बाबा क्या करेगा, लेकिन सोचते बाद में थे पहले बाबा करता था। एक छोटा सा मंडल बनाया 30 आदमी लेकर के, जिसके बाद शुरुआत हमारे बड़े अंकल जी मेरे पापा समन गिरी अंकल जी हमारे मेडिकल वाले अंकल बैठे हैं, इन्होंने सर पे हाथ रखा बेटा तू बड़ा आगे घबरा क्यों रहा है, इन्होंने इनकी शक्ति मिली बुद्धि ने काम किया और रविंद्र गुप्ता जी भाइयों ने आशीर्वाद से हम दूसरा प्रोग्राम कर बैठे हैं। अभी एक साल में दूसरा प्रोग्राम करा है, पहले हमने 6 मई को करा था, दूसरा भी 17 मार्च करा, अभी एक साल भी नहीं हुआ अभी हम दूसरा प्रोग्राम करे हुए। फिर हमने बस की सोची भाइयों के आशीर्वाद से और पहली बस आप लोगों के द्वारा खाटू श्याम से दिल्ली वापसी जा रही है, ये बहुत बड़ा चमत्कार है मेरे जीवन में। बेटा और ऐसे ही लगातार हर महीने आती रहेगी और हमारे मंडल का दूसरा प्रोग्राम भी बहुत अच्छा प्रोग्राम हुआ है और इससे भी बहुत ज़्यादा खुशी है। और हमारा ये आरे का सारा टीवी चैनल हमारे सामने ही बना है और इसके मुख्य संयोजक हरीश तोमर जी हमारे साथ पहली बार गए थे, उन्होंने हमारा इंटरव्यू लिया था पहली बार कि आप बाबा के शाम के दरबार आते हो, चुप, बाबा के शाम के दरबार आते हो आपके जीवन में क्या परिवर्तन आए। और उसके तुरंत 2 महीने बाद हमने इनके चेयरमैन साहब हरीश तोमर जी और सुशील सेंगर साहब से इंटरव्यू लिया था कि अब आप बताइए कि आप आ रहे हो आपका क्या जीवन में परिवर्तन आया, और उन्होंने कहा था जो अखबार में फेल हो जाती थी और वो अखबार में आज की डेट में 12 अखबार लिख रहा हूँ और मेरा इंस्टीट्यूट समझ लो दिन पर रात चल रहा है 24 घंटे और इससे ज़्यादा मैं अपने शब्दों को भर लूँ। मैं पहली बार आया था, पहली बार आया था मैं 500 रुपये उधार ले किसी के साथ आया था मैं पहली बार 500 रुपये उधार लेके खाटू श्याम 10 साल पहले। अब मैं जो है हर महीने आता हूँ और कभी कभी बीच में ऐसा हुआ है कि महीने में 4-4 बार आया हूँ, ये बाबा की कृपा है। देखते रहे हारे का सहारा टीवी चैनल लाइव आज चलते चलते प्रोग्राम में राजस्थान सीकर से चलते थे पुराने दिल्ली रोड से हारे के सहारे की जय। ये आपका परिचय, आपका परिचय और जय बाबा श्री श्याम की। मैं खाटू श्याम 3 बार आई हूँ
पहली बार अटूट विश्वास हो गया है अपने बाबा पे, अटूट विश्वास हो गया है। बोलो जय खाटू श्याम। कहते नहीं बाबा उन्हीं को ही बुलाते हैं जिनके दर्शन करने के लिए तरस जाते हैं। मैं इससे आगे कुछ शब्द नहीं कह सकता क्यों बाबा का दर्शन करने के बाद में मेरा तन मन धन सब बाबा का हो गया। बोल जय हो जय। जो भी दुख था मैंने अपने बाबा से बोला, मुझे ऐसा लगा कि उन्होंने मेरी बात सुनी और मुझे दोबारा भी आना है। बोले श्याम प्यारे की जय। देखा और सुना जा सकता है कि जो वक्त पहली बार आज पहुंचे हैं खाटू धाम, अभी वापस हमने घर भी नहीं पहुंचे हैं। उनका इरादा पक्का हो गया है कि हम दोबारा फिर आएंगे। और परिवार भी ठीक है हमारा और सब कुछ सच्चा में बहुत कृपा बाबा की। क्या बाबा से बाबा से अरदास ये नहीं करेंगे ये जो दारू वाला आपका हैव है थोड़ा रह गया हमेशा के लिए, हमेशा के लिए छूट गया है, वो भी बाबा की कृपा होगी तो छूटी। बाबा ने अब मुझे रास्ता दिखाया किसी ने मेरे को, मैं तो उसको कहता हूँ बहुत बहुत धन्यवाद जिसने मेरे को ये रास्ता दिखाया। और आज बाबा की कृपा से मैं बहुत सब कुछ दिया है बाबा ने मेरे को, पूरा परिवार भरा पड़ा है। क्या बात, किसी चीज़ की कमी नहीं है, मेरे को बहुत कुछ दिया है बाबा ने, बहुत देता रहेगा। जब पहली बार आए उससे पहले आपकी क्या स्थिति थी? 15 साल पहले स्थिति बहुत कमजोर थी। जब से बाबा के चरण में पड़ा हूँ जब से मैं राधे श्याम गोयल जी के पास काम करते थे, उनका मंडल है श्री श्याम मंडल जो कि दरियागंज में है। इस साल उनका 44वां महोत्सव होगा। हमें याद है कि 25वां महोत्सव जब हो रहा था गोल्डन जुबली, उसमें नर्मदा पोटवाल आई थी और बारिश हो रहा था और पूरी लोग भीग रहे थे फिर भी लेकिन खड़े थे, लेकिन बाबा की कृपा नहीं हो रहा था मेरे ऊपर। और मैं इनको जानते हुए भी अभी पीछे सोनिया बिहार में रहता हूँ और मैं पिछले 2 साल से अभी यूँ कहें कि हमारे भाई संतोष कुमार शर्मा जी हैं उनके जरिए मुझे जानकारी मिली जो है, बाबा के पास आने का मुझे मौका मिला जो है। और मैं इस टाइम दक्षिणी दिल्ली नगर निगम में प्लानिंग असिस्टेंट के रूप में कार्यरत हूँ सेव सेंटर में। तो अंदर घबराहट होती थी, आत्मविश्वास की कमी थी, लेकिन ये है कि जब से मैंने दर्शन के लिए यहाँ शुरू किया स्टार्ट किया है तो आत्मविश्वास बढ़ा और परिवार भी बड़ा ही बोले सच्चे दरबार की। तो इस बार अपनी धर्मपत्नी साहब आए जी, अपनी घर पर आइए। आप पहली बार आए हैं सुंदर शर्मा जी? हाँ। क्या कहेंगे, कैसा लग रहा है आपको? बढ़िया लग रहा है। बाबा श्याम क्या 2 साल से आ रहे हैं बता रहे जीवन में काम करता रहा, पहली बार आए, पहली बार आए तो दर्शन करके कैसा लगा, क्या सोचा, क्या मन में लगा, क्या जैसा लोग बातचीत करते हैं कि बाबा श्याम का वो दरबार है बिना कुछ मांगे मिल जाता है, बड़ी शांति मिलती है, आपके जीवन में कुछ ऐसा हुआ है? हेलो, चलिए आप भजन गायक हैं, आप भजन सुनाइए। मेरा नाम है, मैं हाँ बोलिए। मैं विकास कुमार शर्मा, मैं यूपी से हूँ, प्रतापगढ़ जिला, प्रतापगढ़ लखनऊ से आगे। ये संतोष कुमार शर्मा जी हमारे भैया है जी। मुझे तो पता ही नहीं था कि पापा श्याम है कौन, मुझे पता ही नहीं था पापा श्याम है कौन। ये इन्होंने मुझे बताया कि पाचल कीर्तन में चलते बाबा श्याम कीर्तन में, मगर चलो मैं साथ में चला गया कीर्तन सुनने। बाबा की झांकी देख के ना ऐसे मतलब ऐसा मन हुआ कि मुझे भी जाना है बाबा श्याम। तो मैंने अपने जिया से बोला जिया आप चाहते हैं मैंने मुझे भी चलना है, मैं रोने लग गया मुझे चलना है बस। तो इन्होंने बोला चलो, मेरे को ले गए पहली बार गया तो ऐसा हुआ कि मैंने अपने मन में ना यूँ ही बोल दिया बाबा मेरा ये काम होना चाहिए, मैंने यूँ ही बोल दिया। और बाबा ने मेरा उसके साथ साथ 2 काम और बना दिए। फिर मैंने बोला जब मैं फिर चलूँगा, और मेरा हर बार ना एक बोलो तो 4 काम बनते हैं, ये बबा की सौगंध है, मेरे एक बोलने में 4 काम मेरे बनते हैं। और बाबा की कृपा से मैं आज बहुत खुश हूँ। और चीज़ा मेरा जब भी कहता है ना मैं खाटू जा रहा हूँ, मैं कहता हूँ चीज़ा मैं पहले चलूँगा, चाहे मेरे पैसे तुम अपने से लगाना मैं दे दूँगा, लेकिन मैं पहले तैयार होता हूँ, मैं चलूँगा जरूर। तो इस बार भी बस जा रही थी, मैंने कहा जी मैं चलूँगा, मैं पैसे पहले दे रहा हूँ। तो ये बाबा बहुत दयालु है, बहुत दयालु है। और इससे दो बोलोगे एक बोलोगे 4 काम बनेंगे आप, ये बाबा की कृपा है। तो मैं हमेशा सिर्फ बाबा का नाम लेता हूँ, बोलो हमारे बाबा की जय। क्या भजन भी गाते हो क्या? जी बिल्कुल, एक सुना दीजिए। तो भजन सुनेंगे। काली कमली वाला मेरा यार है,
काली कमली वाला मेरा यार है, मेरे मन का मोहन तू दीदार है। ओ काली कमली वाला मेरा यार है, मेरे मन का मोहन तू दीदार है। मैं तेरा तू मेरा प्यारे, ये जीवन अब तेरे सहारे, ये जीवन अब तेरे सहारे। जय हो, जय श्री श्याम। आज खास ही नहीं, बहुत खास। मैंने हेलो, हर एक सारा टीवी चैनल के चलते चलते प्रोग्राम में आज विशेष। आ जाओ, जय श्री श्याम। बताइए क्या नाम है आपका? मेरा नाम है नवाब सिंह बघेल, मैं श्री राम कॉलोनी में रहता हूँ। मैं जो है यही जो सोनी बारे में जो 17 तारीख को जागरण हुआ था जब मैं पहुंचा तो वहाँ जो है थोड़ा लेट हो गया, पुलिस वाले साथ हुई थी, तो मेरे को जागरण देखने नहीं मिला। फिर मेरे को पता लगी कि चमन विहार में जो है 30 तारीख का जागरण है। मैं 30 तारीख को जो है चमन विहार गया जागरण देखने, और फिर वहीं से जो है बगली का भजन जो है संजय भाई गा रहे थे। भजन को सुन के मेरे को दिल में जो है आई कि मैं भी जो है बाबा के यहाँ जाऊँगा। लेकिन बाबा के यहाँ जाने के कह तो दिया, फिर भी मेरे मन में नहीं। मेरे भाई साहब हमारे कृष्णराज जी भाई साहब है बड़े, उन्होंने जो है बोला कि भाई चल, कई दिन से मेरे पीछे पड़ रही है, चल मेरे नाम है। कल फिर भाई साहब के पास फोन करा कि भाई कोई सीट खाली है, तो इन्होंने बोला एक सीट खाली है, तो बाबा ने मुझे भी बुला लिया। ऐसे आ जाओ, सब लोग आ जाओ, मान लो। हम लोग एक मंडल है आपका, श्री खाटू श्याम सखा मंडल, ये लोग पास है सोनिया विहार। सोनिया विहार, ये पहली बार आप जो है श्याम मंदिर का जो भी दर्शन लोगों को कराया है, बस लेके पहुँचे हैं, तो ये आगे भी जारी रहेगी? बिल्कुल, अगर सबकी बाबा की मेहर होगी, आप लोगों आशीर्वाद होगा तो हमें। तो ये कैसे विचार बना आपका? बस ऐसे अच्छा ही तो मंडल बनाया जाए, कीर्तन कराया जाए, फिर बस की इच्छा आ गई, बस लेके चला जाए। पहली बार बस लेके आए हैं, तो बताएंगे बस कब कब लाते हैं, क्या खर्चा आता है, हमारे दर्शकों को बताइए क्या खर्चा आता है बस का? एक सवारी का एक वक्त का सवारी 500 रुपये लिया है, जिसका एक टाइम का लंच हमने दिया है उसमें, और रात की चाय होटल किराया दिया है। आप कहें क्या कहेंगे? हम तो कहेंगे जी, जैसी हमको आप सुविधा मिली है सारे भक्तों को, ऐसी सुविधा हर साल मिले, हर महीने मिले, और बबलू भाई की कृपा है और बाबा की कृपा है जो हमें लेकर के खाटू धाम तक आए हैं। मैं यही कहूँगा, बोल हारे के सहारे की जय, बाबा हम सब पर मेहरबान। मल्होत्रा जी आप कुछ कहेंगे? बस मैं कहूँगा ऐसी कृपा बनी रहे बाबा की, और भक्तों को हर महीने बुलाया जाए बाबा, और इस मंडल का आभार पूरा हमारे मंडल जोर शोरों से लगे रहेंगे, और इससे ज्यादा बस हरे के नहीं।